हेलो दोस्तों, आज हम लोग सैंड का बल्किंग टेस्ट करने वाले हैं। बल्किंग टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो सैंड है, एक डेफिनेट मॉइस्चर के बाद पानी के बाद हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है और कुछ लिमिट के बाद वो एक्सपेंड भी होती है। तो जैसे 5 से 8% हम मिलाते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, और लेकिन अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है, एक बार 0% पे देखेंगे कि जो हमारी सैंड है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है 0, और एक बार फिर देखेंगे 5 से 8% मिला के देखेंगे। तो पहला हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ऐसा सैंपल लेंगे जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 0 है, उसको परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि इसका बल्किंग परसेंटेज कितना आ रहा है। फिर उसके ये हमारा सैंपल है जिसका मॉइस्चर कंटेंट 0 है, और इस टेस्ट को करने के लिए हमको एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए, जो ये है, और ये बीकर चाहिए जिसमें कुछ पानी है, इस पानी का हम यूज़ करने वाले हैं, और ये एक पैन चाहिए जिसमें हम इसको निकालेंगे। ये कुछ 3 4 चीज़ें चाहिए, चूँकि बाई वॉल्यूम हम करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म, तो इस वजह से हमको बस इतने ऑपरेटर्स में ही हमारा काम हो जाएगा। तो आप शुरू करना, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो आप शुरू करेंगे प्रैक्टिकल। ये हमारा सैंपल है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट 0% है। अब हम इसको बाई वॉल्यूम पहले 200 ml लेंगे इस सिलेंडर में, और फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। तो शुरू करते हैं। अब ये इसमें हम सैंपल को ले रहे हैं, 200 ml तक लेंगे। ये ज़्यादा हो गया, अभी इसको हम निकालेंगे। ये हमारा 200 ml ले लिए हैं सैंड को। अब हम इसमें पानी को मिलाएंगे धीरे धीरे। इसका जितना सैंपल है, 200 हमने लिया है, तो 100 ml इसमें पानी ऐड करेंगे। डालो, ये पानी अब हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमारा जो वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो हमारा 10 mm का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा ये जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आया, 180 के लगभग आया है, 180 और 190 के बीच में है, तो 185 ले लेंगे। पहला वॉल्यूम था हमारा 200 ml, और दूसरा वॉल्यूम हमारा निकल के आ रहा है 185, और ये वॉल्यूम तब मिला हमको जब मॉइस्चर कंटेंट इसमें 0% था। अब हम देखेंगे इसमें मॉइस्चर कंटेंट 5% मिलाएंगे बाई वेट या बाई वॉल्यूम, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। तो ये पहला हो गया प्रैक्टिकल, अब इसी का दूसरा प्रैक्टिकल देखेंगे। अब हम ये दूसरा सैंपल लेंगे, ले लिए हैं, और इसमें अब हम 5% बाई वॉल्यूम इसमें पानी मिलाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। तो ये हमने सैंपल ले लिया है, ये 200 ml ले लिए हैं हमने, और अब 200 ml का 5% अगर देखिए तो हमारा 10 ml आता है, और अब हम 10 ml पानी लेंगे और इसमें मिलाएंगे। तो ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, अब इसमें 10 ml वाटर लेंगे। ये ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा सा कम करेंगे। 200 ml का 5% हो गया हमारा 10 ml, 10 ml हमने वाटर ले लिया है, अब इसको हम मिलाएंगे। चलो, ये हमने मिला दिया है 10 ml वाटर, अब हम पूरी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने 5% मिलाया, तो हमारा ये सैंपल अब तैयार है, अब हम इसको इस सिलेंडर में भरेंगे। ज़्यादा होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा पानी मिलेगा, ज़्यादा होना ही चाहिए। हो गया, होना चाहिए सर।
ये 5% हम वाटर मिलाने के बाद देख रहे हैं कि ये जो फाइनल वॉल्यूम हमको मिल रहा है ये मिल रहा है 250 ml, जबकि 0% वॉल्यूम था तो हमने देखा था तो उस समय हमारा वॉल्यूम घट रहा था। अब जब 5% मिला रहे हैं विदाउट 100% सेचुरेशन पे तो ये आ रहा है 100% सेचुरेशन पे लिया इसको, तो हम देख रहे हैं कि इसके वॉल्यूम में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 30 mm का आ रहा है, और इस समय हमारा जो वॉल्यूम आ रहा है वो 170 mm। तो ये हमारा रहा आज का प्रैक्टिकल। हमने देखा कि जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट 0% था तो उस समय हमारा जो परसेंटेज ऑफ चेंज आया है वो 8% आया है, जबकि 5 से 8% के बीच में जब हमने ले रखा है तो उस समय हमारा जो परसेंटेज आया है 17.64, जबकि आना चाहिए था हमारा 20 से 40 के बीच में। तो ये है आज का हमारा प्रैक्टिकल। हमने देखा दो तरीके से, एक में देखा हमने मॉइस्चर कंटेंट मिला के और एक में विदाउट मॉइस्चर कंटेंट। तो रिजल्ट हमारा निकल के आया, एक में 17.64 जो वॉल्यूम चेंजेस आया है और एक में 8%। तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिकल जिसको ये सब स्टूडेंटों ने परफॉर्म किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।